वेलकम टू माई चैनल ब्लॉग ऑन विद सौरभ शर्मा। दोस्तों कैसे हो आप लोग सब? आशा करता हूँ सभी व्यस्त और मस्त होंगे। सो ये आज का जो मेरा ब्लॉग है, अगेन आई एम गोइंग समवेयर इन चेन्नई एंड ये जो है मेरा अगेन रोड ट्रिप होने वाला है। बट देन मैं अभी चेन्नई में किधर किधर जाने वाला हूँ और मैं क्या क्या करने वाला हूँ, दिस नथिंग फिक्स राइट नाउ। एंड आज है अगस्त 15 तारीख, तो सभी को मेरे सब्सक्राइबर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो और मेरे साथ एक चीज़ नया होने वाला है कि वो है मेरा एक दोस्त इधर पे, उसका नाम है नितिन। सो ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाला है बाय रोड। तो नितिन, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस गोइंग टू बी? व्हाट डू यू थिंक, कैसा होने वाला है? व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू गो विद हिम। सो ये पहली बार रोड ट्रिप जा रहा है, मैं तो जाता रहता हूँ बट देन ये कभी गया नहीं है चेन्नई एंड ऑल, लाइक इतना लंबा रोड ट्रिप्स कभी गया नहीं है। सो इसके लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग फॉर यू। तो लेट्स सी ये मेरा जर्नी कैसा होता है। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल में एंड अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है ब्लॉग ऑन विद सौरभ शर्मा। मैं आपको मिलता हूँ जल्दी। बाय, टिल देन टेक केयर। तो चलिए दोस्तों, अभी भगवान को भी हम निकल गया है, जय गणपति बापा मोरिया का नाम लेते हैं। अभी हम लोग इधर से निकलते हैं और आपको मैं मिलता हूँ मेरे एक और दोस्त को मिला कर। ये मेरा शुरू से ये मैं सीधा गाड़ी कर चुका, आई डोंट हैव माय बैग राइट नाउ। तो चलिए आप लोग को मिलता हूँ मैं जल्दी। बाय। चल बाय सपने, बाय। तो अभी हम लोग सतारा पहुंच गए एंड सतारा पहुंच के अभी हम लोग इधर कर रहे हैं नाश्ता। बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। सो ये मैंने लिया है अपना उत्तप्पा। ये सुशांत ये भी आया है मिर्सा कभी, इसने लिया अपना डोसा। और हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस सो फार नितिन भाई? वेरी गुड एक्सपीरियंस। थोड़ा जोर से बोलने का, सुनाई नहीं दे रहा। वेरी गुड एक्सपीरियंस और नाइस। तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस जर्नी। गुड गुड। तो बेसिकली ये पहली बार आया है जैसा मैंने आप लोग को बताया, तो उसको बहुत ही मज़े आ रहे हैं एंड बहुत ही नए नए एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं उसको। तो चलो अभी हम लोग नाश्ता करते हैं, अभी उधर से निकलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टॉप आर वुड बी कोल्हापुर एंड उधर हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। सो ये हमारे नितिन भाई है, लता दीदी के गाने सुनते सुनते गाड़ी चला रहे हैं हमारे वतन के लोगों। बज चुके अभी एंड हम लोग 9:30 करीब कुछ सतारा से निकले थे। अभी स्टिल हमारे को कोल्हापुर जो है वो 75 किलोमीटर्स और बाकी है। द रीज़न ये जो आप बंदे को देख रहे हो ये गाड़ी चला रहे 50-60 की स्पीड पे, तो अभी तक हम सिर्फ 40 किलोमीटर आए पिछले 2 घंटे में। तो इसके लिए हमको लेट हो रहा है एंड द रीज़न मैं ज़्यादा व्लॉग में कुछ कैप्चर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैं कोल्हापुर के रास्ते पे बहुत बार आ चुका हूँ एंड इवन आप सब लोग ने देख लिया है कि क्या है ये रास्ते पे, देयर इज़ नथिंग मच। सो मैं सीधा भी चेन्नई जाऊँगा एंड आई विल ट्राई टू मेक माई व्लॉग्स फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। 7 बज चुके हैं एंड अभी यहाँ से बैंगलोर ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर्स है। मॉर्निंग से चला चला के गाड़ी बहुत टायर्ड, मैंने चलाया और उसने चलाया, इसने तो सिर्फ 50 किलोमीटर गाड़ी चलाया अभी तक। फर्स्ट टाइम चलाया है, फर्स्ट टाइम हाईवे पे चलाया है, तो 50 किलोमीटर 3 घंटे में। तो हमने ले ली उससे गाड़ी और मैंने और मेरा दोस्त जो है सुशांत, उसने चलाया। अभी हम लोग ये होटल में रुके, बहुत अच्छा होटल है ये, मैं आपको नाम बता दूंगा इसका। और क्या ऑर्डर किया है, क्या नाम है होटल का? अच्छा, ये होटल का नाम एम्बियंस आर्ट। ये है मुंबई बेंगलोर हाईवे पे बंकापुर में। द होटल इज़ वेरी गुड, द एम्बियंस इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड द प्राइजेज आर ऑल्सो वेरी नाइस। तो अभी बताएगा अपन ने क्या क्या ऑर्डर किया, क्या क्या ऑर्डर किया अपन? वी हैव ऑर्डर्ड फॉर सौरभ सर, वी ऑर्डर्ड कॉफ़ी फॉर मी, आई हैव ऑर्डर्ड अ टी एंड फॉर सुशांत इज टी एंड वी ऑर्डर्ड कांदा भजी एंड ग्रिल सैंडविच। सो अभी हम लोग चीज़ सैंडविच खाएंगे और थोड़ा कांदा भजी खा के हमारा प्लान है कि अभी सीधा जो 350 किलोमीटर है वो नॉन स्टॉप अभी इधर से हम जाए, तो ताकि एटलीस्ट 12-1 बजे तक हम लोग टेंटेटिवली पहुँच सके अपने बैंगलोर में एंड देन उधर से हम लोग को जो चेन्नई का है तो अराउंड मॉर्निंग तक वी शुड रीच चेन्नई। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट, आपको मिलता हूँ जल्दी।
ये आ गया हमारा भजिया कांदा भजी, ये हमारी कॉफ़ी, ये दोनों की है चाय, एंड अभी एक सिर्फ क्लब सैंडविच आना बाकी है एंड बस 10-15 मिनट में वो भी आ जाएगा। काफ़ी अच्छा है, टेस्टी है। कितने का कॉस्ट है कॉफ़ी और इसका इधर? कॉफ़ी मेरे हिसाब से 20 या 30 रुपीज़ की, बस 20-30 रुपीज़ की कॉफ़ी है और चाय भी उसी हिसाब से 20 की है, तो इट इज़ गुड। लुकिंग एट द एम्बियंस जो हमारे मुंबई में टपरे पे मिलता है, 20 रुपये की है, 30 रुपये की, और अच्छे एम्बियंस में मिल रहा है, तो आइए होटल 30-30 रुपये की और ज़रूर खा के आइए। तो आज है दिन दोस्तों डे टू मेरा चेन्नई में, आज मैं पहुँचा हूँ दोपहर को अराउंड 12 o'clock के करीब, एंड उसके बाद मेरे जो पर्सनल काम थे वो करके मैं जस्ट अभी फ्री हुआ। अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज चुके हैं, एंड हम लोग इधर बहुत अच्छा होटल हमने फेमस थ्रू रेफरेंसेस ढूंढा है कॉल्ड संगीता, एंड उसके थ्रू हमने हमारा खाना ऑर्डर किया। ये जो है हमने थाली ऑर्डर की है, साउथ इंडियन थाली, ये देखिए सो मैनी थिंग्स आर देयर इन दिस थाली। दिस थाली कॉस्ट ओनली 275 रुपीज़, एंड ये अनलिमिटेड थाली होती है। इसके साथ राइस आते हैं, पापड़ आते हैं, एंड दिस इज़ द नेम ऑफ द होटल संगीता वेज, एंड दिस इज़ इन कोयम्बेदु, एंड इसका कॉस्ट है 275 रुपीज़। सो अभी हम लोग डिसाइड करेंगे इधर से खाना खा के मस्त में फिर किधर जाना है हमें एग्जैक्टली, एंड उस हिसाब से हम लोग हमारा प्लानिंग करेंगे। तो जैसे अभी मेरा खाना होता है उसके बाद मैं आपको मेरी प्लानिंग बताता हूँ। ज़ोर से भूख लगी थी ना, अभी सूप पी लिया और इतना सारा खाना देख लिया ना, भूख मर गई मेरी। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, जब आप इतना सारा खाना देख लेते हो एक साथ तो आपकी भूख मर जाती है और फिर आपको इच्छा नहीं होता है खाने का, आप सोचते हो कि पहले खाए तो क्या खाएं? अगर ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जरूर, और चलो खा के देखते हैं कैसा खाना है, टेस्टी हो गया। सूप तो अच्छा था इसका, तो ये भी खाना अच्छा ही होगा। एंड दीज ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट सब्जी, बट देन मेरे को भी याद नहीं है, थोड़ा बहुत याद है, तो आई डोंट नो द रियल नेम्स ऑफ देम। ये सब्जी इज नाइस, ये तो अपना आई नो सांभर है, तो ये भी अच्छा ही रहेगा, वेरी नाइस। ये जो है रसम है, जब सर्दी खांसी होती है, बुखार होता है, गला ख़राब होता है तो इसको पीना चाहिए, बहुत टेस्टी होता है। तो अभी मेरे को थोड़ी मेरे दिमाग की बत्ती जली, मैं आपको बताता हूँ क्या 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 है। तो ये जो है ये सांभर है, ये है पायसम, दिस इज़ मेड ऑफ जागरी, ये कर्ड है तैरे बोलते हैं इसको, ये छाछ है बटर मिल्क, दिस इज़ कैबेज का सब्जी, दिस इज़ पम्पकिन का सब्जी, दिस इज़ रसम, ये वड़ा है, ये चटनी है, और ये इमली का चटनी है, और ये राइस है, इसको चोर बोलते हैं। खाना हो गया करके, बहुत ही टेस्टी खाना था, जितना हो सका मैं मेरे हिसाब से खा लिया, बट देन टू सम ऑफ द फूड आइटम्स वर वेस्ट है, विच आई रियली डोंट लाइक वेस्टिंग द फूड, बट देन इतना खाना रहता है मेरे को पसंद नहीं आता। एंड ये देखिए अभी आइसक्रीम भी आ चुकी है हमारी कॉफी बन के, उसके साथ हमको ये पान भी मिलता है खाना। सो ओवरऑल द फूड इज़ वेरी गुड ओवर हियर, द आइसक्रीम यू कैन सी आइसक्रीम इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। सो अभी हम आइसक्रीम खाएंगे, पान खाएंगे और फिर इधर से निकलेंगे। के हो गया अभी हमारा, एंड बहुत काफ़ी गर्मी है इधर, इट्स ऑलरेडी 34 डिग्री, बट देन मुंबई जैसा 34 डिग्री नहीं है, इट इज़ मोर देन दैट, वो टेम्परेचर आपको दिखा रहे इधर का 34 डिग्री, बट देन काफ़ी गर्म है इधर का क्लाइमेट। एंड अभी जस्ट खा के हम लोग आए तो मेरे पास ये चावल बच गए थे, तो मैंने पैक करा लिए, आप लोग को पता रहेगा क्यों, क्योंकि ये जो चावल है अभी मैं कोई स्ट्रीट डॉग को या कैट को जो भी जानवर मिलेगा उसको हम खिलाने वाले हैं इसका। एंड इधर से हम एक जगह जाने वाले, एक टेम्पल, पर उसके लिए हमको पहले थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा, तो इधर से हम ये सिटी से निकलेंगे एंड किधर रुकेंगे एंड देन फिर हम डिसाइड करेंगे। तो अभी जैसे इधर से निकल के हम रुकते हैं, मैं आपको जल्दी मिलता हूँ वापस। खाना खा के हो गया था और हम अभी पेट्रोल पर आने आए थे हमारे कार में, सो बहुत गंदे हो गए थे, 2 दिन से नहाए नहीं थे हम लोग, तो अभी क्या किया हमने, इधर ही पेट्रोल पम्प का जो नल था उधर बकेट और पानी था, इवन मग था, तो हम लोग ने उधर ही नहा लिया। देखो कितने फ्रेश लग रहे हैं, अभी स्मार्ट लग रहे हैं कि नहीं। सो अभी हमने एक फाइनल डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू तिरुमंचेरी टेम्पल। इधर बेसिकली ये टेम्पल भी कहावत है कि मान्यता है
फॉर दैट मैटर कि यहाँ शिव और पार्वती जी ने शादी की थी. ऐसा ही सेम एक टेंपल जो है अपना है उत्तराखंड में त्रियुगिनी नारायण करके. सो उधर भी वही बोलते हैं कि उधर शिव और पार्वती जी ने शादी की थी एंड वहाँ पे उनका जो अग्नि फेरा लिया था वो अग्नि अभी भी जल रहा है. सो ये जो स्टोरी इधर की मेरे को एक्चुअल में इन डिटेल्स जाननी है. मैं चेक करूँगा उसके बारे में एंड टेम्पल जाने से पहले मैं आप लोग को बताऊँगा. शाम के 4 बज गए अभी एंड नहा धो के एकदम फ्रेश हुए हुए हैं तो थोड़ा देर बैठे थे गप्पे लगा रहे थे. वी वर जस्ट मेकिंग द आइटिनरी किधर जाना है क्या करना है. बट देन अभी जब हमारा काम हो गया प्लान फॉर द डे इज डन. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज दैट आई एम गोइंग टू स्लीप फॉर 2 hours एंड बिकॉज 4 घंटे का रास्ता है अभी इधर से. सो 2 घंटा मैं सोऊंगा एंड 2 घंटे बाद जो मेरे साथ मेरा फ्रेंड है सुशांत वो सोएगा. तो अभी मैं सोने जा रहा हूँ. आप लोग को 2 घंटे बाद मिलूँगा जब मैं कॉफ़ी पीने उठूँगा. तो डिस्टर्ब ना करें मुझे, सोने दीजिए, बाय. 6:30 हुए शाम के. अभी जस्ट उठा मैं, 5-10 मिनट हुआ था. तो मैंने इसको मेरे दोस्त को बोला कि चल अपन को चाय पानी नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद फिर मैं गाड़ी चलाता हूँ तू सो जाना. तो अभी जो आप पीछे देख रहे हैं मेरे चाय कॉफ़ी की दुकान थी उधर से हमने कॉफ़ी पी है. अभी कॉफ़ी पी के और ये बिस्किट्स खाते हम लोग जाने वाले वापस. तो बाकी से अभी 90 किलोमीटर्स बाका है बट देन इट इज़ शोइंग 3 hours बिकॉज जो रास्ता है इधर से इट्स वेरी बैड. सो इसके लिए मे बी दैट इज़ द रीज़न. और क्या घाट है क्या आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न. 3 hours बता रहा है वो. जो भी है मेरे को गाड़ी चलानी है तो आई विल ड्राइव नाउ. सो टेंटेटिवली आई थिंक सो वी शुड बी रीचिंग बाई 9 or 10 पकड़ के चलते हैं अपन. एंड उधर जाके हमारा प्लान कुछ है नहीं, खाएंगे और सीधा सोना है. तो चलिए अभी मैं कॉफ़ी पीता हूँ. चिदम्बरम सीधा 10 किलोमीटर ही है. अच्छा तो अभी 11 बज चुके हैं एंड हम लोग ऑलमोस्ट ये टेंपल जो है तिरुमनंचेरी टेंपल पहुंचने को आए हैं. एंड अभी देख सकते हैं रास्ता एकदम ही खाली है, सिर्फ हम लोग हैं, मैं और मेरा दोस्त सुशांत. एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट बिकॉज इतने पतले पतले लेफ्ट राइट है इधर. आई डोंट नो उधर जाके हमको एकोमोडेशन भी मिलेगा कि नहीं बिकॉज द टेम्पल इज़ ऑलरेडी क्लोज एज ऑफ नाउ. सो इधर देख के तो लगता नहीं है कि कुछ टेंपल मिलने वाला है हमें. बट देन लेट्स सी, जाते हैं एंड देखता हूँ मैं टेंपल के इधर एकोमोडेशन कुछ मिलता है क्या. अभी हम ये मंदिर के इधर पहुँच तो चुके हैं बट देन प्रॉब्लम क्या है ना, सब चीज़ें बंद है इधर बिकॉज रात के 11:30 बज चुके हैं. तो हमें अभी एकोमोडेशन ढूंढना है. तो हम इधर जो भी बोर्ड्स लगे हैं होटल्स के उनको कॉल कर रहे हैं तो नो वन इज़ आंसरिंग कॉल्स. तो अभी पता नहीं हमें कोई एकोमोडेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा. अगर नहीं मिलता है तो हमारी गाड़ी जिंदाबाद, हमको गाड़ी में ही सोना पड़ेगा. तो देखता हूँ मैं अभी, चलो थोड़ा एकोमोडेशन ट्राई करता हूँ. अभी मेरे को एक इधर होटल मिला, आपको बताता हूँ मैं. ये देखिए ये जो है ये मंदिर है जिधर हमको जाना है. एंड सेकेंडली ये जगह है होटल जिसमें ये लोग एक डॉर्म है उसमें आपको 30 रुपये में सोने को देते हैं पर पर्सन को. एंड ये जस्ट मंदिर के बाजू में ही है. तो देखते हैं अभी क्या है इधर. अगर हमें नहीं जमा तो वी विल स्लीप इन आर कार. तो ये ऐसा बेड आपको देते हैं, ये ऐसा मैट्रेस देते हैं, मैट्रेस नहीं सिर्फ चद्दर देते हैं आपको, एक बस एक चद्दर ही देते हैं. तकिया वक्या मैट्रेस वैट्रेस कुछ नहीं. ओके इसमें यू डोंट गेट एनी मैट्रेसेस और तकिया चद्दर कुछ नहीं. से एक आपको सिंगल चद्दर मिलेगा जिसको आप बिछा के सो सकते हो. तो आई डोंट थिंक सो हम इधर सो पाएंगे. वी वुड बी गोइंग बैक टू आर ओन कार एंड विल स्लीप देयर. यहाँ का पार्किंग है तो हमने तो अभी हमारी कार इधर लाइट में पार्क की है. अब अभी फ़िलहाल तो देख सकते हो ये जो एकदम सन्नाटा है, कोई है नहीं इधर. बट देन अभी जो होटल वाले से डॉम वाले से बात किया था मैंने तो वो बता रहा था कि अभी कल मॉर्निंग में अराउंड 7-7:30 तक आप देखोगे तो पूरा ये जो है भर जाता है पब्लिक से. सो लेट्स सी, अभी 11:30-12 तो बज चुके हैं तो मॉर्निंग में क्या होता है देखते हैं. एंड आगे का दर्शन का एंड ऑल आपको मैं डिटेल्स देता हूँ जल्द.
सो अभी मेरे पास बेड है, मेरा इन्फ्लेटेबल बेड। मैं आप लोग को बताता हूँ, मैं ये जो इन्फ्लेटेबल बेड है मेरा, वो कैसे मैं मेरे कार में लगा के हम दो लोग कार में आराम से सोते हैं। सो ये जो बेड होता है ना दोस्तों, इसमें ऐसा एक पंप आता है। तो सबसे पहले अभी ये पीछे तो एक आदमी सो सकता है आराम से, हम अभी क्या इसको सोने के लिए जगह बनाएंगे। तो सबसे पहले करना क्या पड़ता है, आपके जो ये सीट्स है इनको पीछे करने पड़ते हैं दोनों को, ताकि स्पेस मिले। उसके बाद ये जो आपका मोबाइल का रहता है उसको निकाल के इसे लगाना पड़ता है अंदर और इसको चालू करना पड़ता है चाबी गाड़ी का। तो इसमें स्विच होता है, इसको ऐसे चालू करेंगे तो ये हवा फेंकता है, देख सकते हैं हवा फेंक रहा है। तो इसको आपको मैं भर के बताता हूँ। इसमें होता है इसका नोजल होता है इनलेट का, वो ढूंढना पड़ेगा किधर। हाँ ये है। तो पहले इसको हम सेट कर देंगे ताकि अपन इजीली इसको इन्फ्लेट कर सकें। तो इसको खोल देने का अच्छे से और सेट कर देने का। फिर वो पंप से इसमें हवा भरना चालू करने का। तो अभी नॉट इवन 2-3 मिनट के अंदर इसमें पूरी हवा भर जाएगी। फिर एक केयर लेना पड़ता है इसको, जब आप बंद करो तो जल्दी भरना पड़ता है ताकि हवा निकले नहीं। तो आप देख सक रहे हो पूरा मस्त बेड बन चुका है। ये बहुत लफड़ा होता है, इसको वापस करना, ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है इसके साथ, इसको बंद करने का। ये पूरा हवा इसका जल्दी निकलता है। तो इसको ऐसे बंद कर दिया एंड देन उसके बाद इसका ये दूसरा सील होता है, उसको भी एयर टाइट कर देने का और ये हो गया इधर का तैयार। एंड वैसे ही आपको अगर नीचे भी इसके है उसको भी भर सकते हैं आप, तो ताकि आपको ज़्यादा सपोर्ट मिले। पर हमको क्या इधर सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी इधर है, ये बंद है एक्चुअल बेड पीछे का, बदन हम उसको लगाते इधर है। तो अभी मैं आपको इस पर एक बार लेट के भी दिखाता हूँ कि कैसे सोते हम लोग। तो ये जो है ऐसे मस्त में सो जाते हैं इसमें ऐसे। तो ठीक है, ऐसे ही ये बेड के बारे में आपको अगर डिटेल चाहिए रहेगा तो आपको ये अमेजोन पे बेड मिल जाते हैं वेरी इजीली एंड इट कम्स फॉर अराउंड 1500-2000 रुपीज। तो चलिए दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो हम इधर ही समाप्त करते हैं, बिकॉज मॉर्निंग 7:30 को हमको उठना है एंड मिलते हैं कल आपको। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है व्लॉग ऑन विद सौरभ शर्मा। टिल देन कीप रोरिंग, कीप शाइनिंग, कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय, गुड नाइट।